प्रदेश में मानसून ने दस्तक क्या दी, सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। कई सब्जियों के दाम में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के रेट बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया। बारिश का सबसे ज्यादा असर टमाटर के दाम पर पड़ा। पिछले दो दिनों में टमाटर के दाम मंडी में 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए, जबकि खुदरा बाजार में इसके दाम 110 से 120 रुपए प्रति किलो रहे। मिर्च के भाव भी 60 से 70 के करीब पहुंच गए। मंडी में सब्जी बेचने वाले थोक विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब होने से दामों में तेजी आई है। महंगाई बढ़ गई है, अभी चार दिन में ये बरसात हो रही है ना, बरसात की वजह से बढ़ गई है महंगाई। उससे पहले मंदा था, 50 रुपए का रेट, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे। टमाटर 180 रुपए किलो चल रहा है मैडम, टमाटर मार्केटों में जो चल रहा है। अरे ये जी वो देसी टमाटर है, वो हाइब्रिड भी उसी रेट पे है। बताओ ना, खरीद रहे मैडम, पहले इतना मंदा था तब भी खरीद रहे, महंगा तब भी खरीद रहे। कितना बिक गया होगा सुबह से आपका? सुबह से यहाँ पे कम से कम लगभग मेरे हिसाब से 20 गाड़ी आई है, वो सारे बिक गया जी। किलो 180 रुपए किलो। हाँ जी, कौन सा टमाटर है? बॉम्बे टमाटर, देसी 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 बॉम्बे, दोनों का एक ही रेट चल रहा है। एक ही रेट हो गया है? हाँ जी, क्योंकि दोनों का रेट तो अलग अलग होता है। हाँ नहीं, रेट तो अलग अलग होता है, लेकिन इस समय दोनों का रेट सेम चल रहा है। हाँ बराबर ही चल रहा है। आम आदमी लौकी और तोरई खाने की हालत में भी नहीं रह गया है। बारिश ने लौकी 50 रुपए किलो कर दी और तोरई 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वही मौसमी सब्जी करेला और शिमला मिर्च के दाम सामान्य रहे और उसमें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। हाँ लोग बाग मतलब ऐसे मतलब सोच समझ के लेते हैं लोग, इतना महंगाई कैसे चली गई, कुछ फायदा नहीं है इसमें, सब घाटे में जा रहे हैं। घाटे में जा रहे हैं, ये नहीं बिकते, नुकसान भी जाते हैं बहुत है। गर्मी है और ऊपर से जैसे मतलब जो हम कोई बच जाते हैं तो पशुओं को, ये पशु को खिलाना पड़ता है हमें। टमाटर अलावा देखो एक टिंडे आ गए, टिंडे भी वो 300 रुपए के धड़े, 60 रुपए के जी वहीं से ही है। सबसे ज्यादा सब्जी बिक रही है यही तोरी, भिंडी, करेला, यही सब बिक रहा है। अभी तो तोरी भी महंगी हो गई इस टाइम, अब कल से रेट बढ़ी हो गया। तोरी भी वहीं से आ रहा 250 रुपए धड़ी, 50 के किलो, 50 का किलो। टिंडे भी है आ रहा 50 रुपए किलो मंडी रेट। और कच्चे केले, कच्चे केले 200 रुपए धड़ी है, 200 रुपए धड़ी है। सब्जी का कुल मिला के रेट बढ़ा हुआ है, आपको कोई फायदा हो रहा है अभी इससे बड़े हुए रेटों? फायदा क्या, वही घर का खर्चा चल रहा है, बस बचत नहीं है बस। बारिश के बाद मंडी में माल की आवक बेहद कम हो गई है। ज्यादा असर तो फसल खराब होने की वजह से हुआ है, जबकि बारिश होने की वजह से लगे जाम में फंसने की वजह से मंडी में माल कम पहुंच पा रहा है। बरसात हो रही है, पीछे जहाँ से चलेगा बैंगलोर का टमाटर, वहाँ का खर्चा बहुत है और टमाटर खुलेगा बहुत महंगा। सब्जी तो महंगी होनी होनी है मैडम, ये महीना में 2 महीना महंगी रहेगी फिर मंदी हो जाएगी, क्योंकि माल अब होता नहीं है बारिश में, खेती सब खत्म हो जाएगी तो सब्जी महंगी होगी। बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, कस्टमर पकड़ते नहीं है, हम लोग का बिकता नहीं है, यहाँ मिलता नहीं, वहाँ बिकता नहीं है। तो क्या अभी क्या खरीदते हो आप? अभी सीताफल लिए हैं, शिमला लिए हैं, टमाटर लिए हैं 500 रुपया धड़ी, अब 100 लेके जा रहे हैं, अब वे 30 के पाव नहीं पकड़ रहे हैं कोई, लोग बता रहे हैं 100 रुपए किलो लेके खरीदे हैं, किलो ले रहे हैं, 120 रुपए किलो बेच रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करें। सारी सब्जियां या सिर्फ एक ही सब्जी? सारी सब्जियों में महंगा हो रहा है, अब तो खाली जा रहे हैं, कुछ मंडी में मिल ही नहीं रहा है। 50 रुपए किलो मिर्ची ली है, अब क्या भाव बेचे उसको, 20 रुपए पाव भी मिर्ची नहीं बिक रही है, कुछ ज्यादा तो किराया भाड़ा है, तोल में 5 रुपए के दे दो जी, 5 रुपए का धनिया दे दो, 5 रुपए मिर्ची दे दो, कहाँ से दे दे। वही कुछ सब्जी विक्रेता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सब्जी जब मंदी होती है तो कम मुनाफा होता है, अभी महंगी है तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन सब्जी महंगी होने से आम जनता का बुरा हाल है। महंगाई है कौन सा, महंगा रहेगा महंगा बेचेंगे, वो तो वहाँ आगे से आते हैं ना हम लोग का खरीदने, भाव तो करेंगे, उनको भी तकलीफ है, इतना महंगा कहाँ से बिकेगा। मगर जैसे मान के चलो जिस भाव से आड़ती दे रहा है यहाँ, उस भाव से हम ला रहे हैं, उस भाव से आगे हाथ को दे रहे हैं। इस समय तो फायदा हो रहा है, हाँ इस समय तो सबको फायदा है, पब्लिक को, किसान को, हर आदमी को फायदा है। पब्लिक को कैसे फायदा है? पब्लिक को भी ये फायदा है कि अब महंगा है तो अच्छा चीज मिलता है, मंदा होता तो हल्का चीज मिलता है, इसलिए पब्लिक को फायदा है। गुस्से में लाल हुए टमाटर के साथ भिंडी, तोरई, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरे और साथ ही मिर्च के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा गया है।